हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। 4 सितंबर से 9 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम इन्हीं डेली करंट अफेयर सेशंस में कवर करते चलेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। लिज ट्रस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यूनाइटेड किंगडम्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग हर द थर्ड वुमेन टू होल्ड द टॉप रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। फ्रॉम विच पार्टी शी हैज़ बीन इलेक्टेड। लिज ट्रस को UK के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जिससे वह देश की राजनीतिक कार्यकारी में शीर्ष भूमिका निभाने वाली तीसरी महिला बन गई है। वह किस पार्टी से चुनी गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कंजर्वेटिव पार्टी। आपको जानना चाहिए लिज ट्रस ये कंजर्वेटिव पार्टी की हैं और इन्होंने रिचमोंड यॉर्क्स ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऋषि सुनक इनको हरा दिया है और यूनाइटेड किंगडम की 56th प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। याद रखिएगा, 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इनको 81,326 वोट्स मिले हैं, वहीं ऋषि सुनक को 60,399 वोट्स मिले हैं। आपको जानना चाहिए जुलाई के महीने में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अगर हम बात करें लिज ट्रस की तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं साउथ वेस्ट नॉर्फोल्क से, और इससे पहले बोरिस जॉनसन की जो सरकार थी उसमें फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में ये कार्यरत रही। आपको जानना चाहिए 2015 के बाद से ही कंजर्वेटिव की ओर से ये 4th प्राइम मिनिस्टर हैं और यूनाइटेड किंगडम की 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। इनसे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जो कि महिला रही। आपको जानना चाहिए थेरेसी एने कॉफी यूनाइटेड किंगडम की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहेंगी और साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर भी इन्हीं के पास रहेगा। नीरज चोपड़ा हैज बीन क्राउंड डायमंड लीग 2022 चैंपियन एज ही वॉन द फाइनल इन विच सिटी विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 88.44 मीटर। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2022 चैंपियन बने। उन्होंने किस शहर में आयोजित इस इवेंट में 88.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ फाइनल जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ज्यूरिख। देखिए, आपको जानना चाहिए नीरज चोपड़ा के बारे में, इन्होंने डायमंड लीग 2022 जीत ली है, चैंपियन बन गए हैं। ये जो फाइनल हुआ ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ। इन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में 88.44 मीटर की दूरी पर अपना भाला फेंका है और ये डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन भी बन गए हैं। आपको जानना चाहिए इन्हें सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन मिला ये चेक रिपब्लिक के जैकूब वार्लिस के द्वारा मिला है, जो कि सेकंड पोजीशन पर रहे। इनका जो बेस्ट थ्रो रहा वो 86.94 मीटर का रहा है और जर्मनी के जूलियन वेबर ये थर्ड पोजीशन पर रहे विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 83.73 मीटर। आपको जानना चाहिए यदि हम पूरे सीक्वेंस की बात करें तो जो पहला थ्रो रहा नीरज का, इसमें ये फाउल रहा। दूसरे थ्रो में इन्होंने 88.44 मीटर की दूरी जो है कवर की, जो कि अंत तक कोई भी दूसरा प्लेयर इसको पार नहीं कर पाया। तीसरा थ्रो इनका 88 मीटर का रहा, चौथा थ्रो इनका 86.11 मीटर का रहा, पांचवा थ्रो 87 मीटर का रहा और सिक्स थ्रो रहा इनका 83.60 मीटर का। तो वो सेकंड अटेम्प्ट जो इनका था वही जो है इनका इन्हें जीत दिला गया 88.44 मीटर। आपको जानना चाहिए, आप सभी जानते हैं नीरज टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं 2021 में, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड जीत चुके हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में सिल्वर जीत चुके हैं 2022 में। ये इस लीग का डायमंड लीग का 13th एडिशन रहा, 2010 में ये शुरू हुआ था और नीरज फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस लीग को जीता है, फाइनल को जीता है। इनको $30,000 का प्राइज मनी भी मिलेगी और साथ ही जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो बुडापेस्ट हंगरी में 2023 में होगा उसके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री भी इनको मिलने वाली है। देखिए, अगर हम डायमंड लीग की बात करें तो इसमें 32 डिसिप्लिन
होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल जेवलिन थ्रो ही इसमें होता है, शॉट पुट भी हो सकता है और भी जितने एथलेटिक्स से संबंधित जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो इसमें शामिल रहते हैं। अच्छा, आप 13 तरह की आप सीरीज इसमें खेलते हैं, 13 बार आप इसमें कॉम्पिटिशन इसमें कॉम्पीट करते हैं 13 सीरीज में। अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, 32 डिसिप्लिन होते हैं। तो नीरज चोपड़ा का तो जेवलिन थ्रो वाला रहा, है ना। फिर इसमें क्वालिफाई करते करते आप फाइनल में पहुंचते हैं, तो वो जीता है डायमंड लीग चैंपियन। तो ये जेवलिन थ्रो में बने हैं और शॉर्ट पुट में कोई और बना होगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग इवेंट इसमें रहते हैं। राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स इन द नेशनल कैपिटल हैव बीन रीनेम्ड, व्हाट विल इट बी कॉल्ड नाउ। राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल दिया गया है, अब इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्तव्य पथ। आपको जानना चाहिए नई दिल्ली में जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स हैं इनका रीनेम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, माफ कीजिएगा, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC, इसके पास ये प्रपोजल आया था और इसने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए ब्रिटिश रूल के टाइम राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इस कर्तव्य पथ को इनॉग्रेट किया है, जो कि एक रोड का स्ट्रेच है, मतलब एक रोड है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। आपको जानना चाहिए जो सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसी का ही ये पार्ट है, जो कर्तव्य पथ है इसी का ही पार्ट है। और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप सभी जानते हैं क्या क्या इंक्लूड है, ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, अ न्यू प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड ऑफिस एंड अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू भी अनवील किया है, इसको इनावरण किया है। ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू 28 फीट टॉल है। और साथ ही आपको भी जानना चाहिए जो ये स्टैचू बनाया गया है ये मोनोलिथिक जो ग्रेनाइट ब्लॉक है उससे कार्व आउट करके बनाया गया है। तो जो अलग अलग तरह के स्कल्पचर यहाँ पर रहे हैं और इनको लीड किया है श्री अरुण योगीराज जी ने। इंडियाज फर्स्ट नेजल COVID-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इन दोज 18 एंड अबव, विच कंपनी हैज डेवलप्ड दिस वैक्सीन। भारत के पहले नेजल COVID-19 वैक्सीन को 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों में प्राथमिक टीकाकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। इस वैक्सीन को किस कंपनी ने विकसित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत बायोटेक। देखिए, जो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है DCGI के नाम से आप जिसे जानते हैं, इन्होंने भारत के फर्स्ट इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, इसका नाम है इनकोवैक। तो जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर की एज के हैं उनमें रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए इसे अप्रूव कर दिया गया है। ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह की सेकेंड वैक्सीन है, क्योंकि इससे पहले कैंसिनो बायोलॉजिक्स की जो वैक्सीन है चाइना में, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। इनकोवैक की अगर हम बात करें तो ये चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर्ड रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन है। इस वैक्सीन को नेजल ड्रॉप्स के थ्रू दिया जाता है। अंडर द प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PM श्री स्कीम अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, हाउ मेनी स्कूल्स विल बी डेवलप्ड एज मॉडल स्कूल्स। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, 14,500। चलिए जानते हैं, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। देखिए, 5 सितंबर को टीचर्स डे जो हुआ उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PM श्री योजना इसको अनाउंस किया। इसके तहत जो 14,500 स्कूल्स हैं हमारे देश में उनको PM श्री स्कूल्स के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इन स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स के तौर पर जो है डेवलप किया जाएगा अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, जो ये 14,500 स्कूल्स हैं, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट द्वारा जो स्कूल संचालित किए जाते हैं वहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे ये 14,500 स्कूल्स। इन्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, जैसे लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम, ये सभी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही इन्हें ग्रीन स्कूल्स के तौर पर भी डेवलप किया जाएगा, जिनमें कि वाटर कंजर्वेशन,
वाटर रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इन करिकुलम भी शामिल रहेगा। अगर हम बात करें इस पीएमसी स्कूल्स की, जो ये स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 27,360 करोड़ रुपए की है, जिसमें कि सेंटर का जो शेयर है ये 18,128 करोड़ रुपए है। और ये जो स्कीम है ये 5 साल के पीरियड के लिए लागू रहेगी 2022-23 से 2026-27 तक। तो ये जो बजट होता है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी काफी महत्वपूर्ण इसमें होता है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा वॉज अवार्डेड एन एमी फॉर नैरेटिंग विच नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की किस डॉक्यूमेंट्री का वर्णन करने के लिए एमी से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। देखिए, आपको जानना चाहिए फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, इन्हें अपना पहला एमी अवार्ड मिला है। किस लिए? नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, तो इसको इन्होंने नरेट किया, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड। आपको बता दीजिए, ये अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नाम की जो 5 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है, इसको ओबामा की जो प्रोडक्शन कंपनी है हायर ग्राउंड, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। विच कंट्री कन्फर्ड पिंगट जैसा जेमिलिन और मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू द फॉर्मर इंडिया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा? किस देश ने भारतीय पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को पिंगट जैसा जेमिलिन या मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिंगापुर। देखिए, फॉर्मर इंडिया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आप सभी जानते हैं एडमिरल सुनील लांबा रहे हैं, और इन्हें सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड, जिसका नाम है पिंगट जैसा जेमिलिन या फिर मेरिटोरियस सर्विस मेडल, दिया गया है सिंगापुर के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब के द्वारा। तो क्यों दिया गया है? क्योंकि जो एडमिरल सुनील लांबा रहे, इन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच में जो बायलेटरल डिफेंस रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। वट इज़ इंडियाज रैंक इन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? UNDP के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 132। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से याद रखिएगा। देखिए, 191 कंट्रीज एंड टेरेटरीज में से यदि हम UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक की बात करें तो भारत 132वीं पोजिशन पर है। तो UNDP की जो रिपोर्ट है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग अवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, यानी कि शॉर्ट में कहें HDI इंडेक्स। तो देखिए, 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 189 कंट्रीज में 131st पोजिशन पर था, 131वीं पोजिशन था 189 कंट्रीज में। और आपको बता दें अब कितने पर है, अब 132वीं पोजिशन पर है। तो भारत का जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू है ये 0.633 है, जबकि 2020 की रिपोर्ट के टाइम ये 0.645 था। तो कम हुआ है ना, इसलिए 132 पोजीशन पर भारत आया है। अच्छा, ये पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में या फिर इस पूरे जो डिटेल दिया गया है इसमें। तो कौन कौन से भारत के नेबर भारत से ऊपर है? देखिए, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, ये भारत से ऊपर है। श्रीलंका 73rd, चाइना 79th, बांग्लादेश 129th, भूटान 127, ये भारत से ऊपर है। अब क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री HDI इंडेक्स में भारत से ऊपर है या फिर भारत से नीचे है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, 1 ऑप्शन उसमें सही होता है, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये भारत से नीचे है। तो अब क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि भारत से ऊपर कौन सी है, तो 3 ऑप्शन आपको पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार मिलेगा और एक उसमें ऐड कर देंगे श्रीलंका। तो सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2020 या 2021 की HDI वैल्यू में जो कमी देखने के मिली है, जो डिक्लाइन देखने को मिला है, ये लगभग 90% कंट्रीज में देखने के लिए मिला है। आपको बता दें 2019 में भारत का जो HDI था ये 0.645 रहा और 2021 में 6.33 हो चुका है। साथ ही जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत में उसको भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जहां पहले 69.7 ईयर्स था वहीं अब 67.2 ईयर्स रहा है इस सर्वे पीरियड के दौरान। अच्छा, अगर हम भारत की एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो 11.9 ईयर्स ही आ चुका है, पहले 12.2 ईयर्स था 2000
2020 की रिपोर्ट में। अगर हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो ये 6.7 ईयर्स था, लेकिन अब 6.5 ईयर्स हो चुका है। नहीं, पहले 6.5 ईयर्स था और अब 6.7 ईयर्स हो चुका है, यानी कि ये अच्छा हुआ है, ये आंकड़ा अच्छा है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, ये अप हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में, हालांकि भारत की 132 पोजीशन है, लेकिन जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। 2020 में 71 ईयर्स था, वहीं 2021 में 68.8 ईयर्स हो गया है। देखिए, ये तो आप इंग्लिश हिंदी में समझते होंगे ना, जो नंबर्स होते हैं कभी कभी हो जाता है ऐसे बताते हुए, क्योंकि एक बार मैंने 71 बोल दिया, एक बार 68.8 बोल दिया, तो ये आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। अच्छा, अगर हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बात करें फीमेल्स के लिए, इसमें भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, 12.6 से अब 11.9 ईयर्स। हालांकि इसे हम पहले इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, साथ ही आप ये भी देखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, इसमें भारत का इंडेक्स, भारत का जो स्कोर है ये 0.123 रहा है, जिसमें कि हेड काउंट रेशो 27.9% रहा है, यानी कि 8.8% पॉपुलेशन ये अभी भी सिर्फ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। पिछले लास्ट डिकेट की अगर हम बात करें तो भारत ने 271 मिलियन पीपल को जो है पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड में, जिसका STI 0.962 है। उसके बाद नॉर्वे आता है, फिर आइसलैंड आता है, फिर हांगकांग चाइना SAR आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये टॉप फाइव जो कंट्रीज हैं इनके बारे में आपको जानना चाहिए, इंडेक्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप PCS टाइप के एग्जाम की बात करें तो उसमें क्रम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा क्रम सही है। उसमें क्या होगा, चार इंडेक्स, चार ऑप्शन होंगे, पहले पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिया जाएगा, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चाइना। दूसरा ऑप्शन होगा, उसमें पहले पर आइसलैंड रख दिया जाएगा, फिर नॉर्वे, इस तरह से पूछ लिया जाता है। इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको 1990 में डेवलप किया गया था और इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रिलीज किया जाता है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूल उल हक द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तीन मुख्य डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर कंट्रीज की प्रोग्रेस यहाँ पर देखी जाती है। तो कौन सी है वो तीन की डायमेंशंस, एक तो है अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, दूसरी है एक्सेस टू एजुकेशन, और तीसरा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ ही चार इंडिकेटर्स भी होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है इंडिकेटर्स और डायमेंशंस को। विच न्यूज़पेपर हुज़ चीफ एडिटर वॉज को अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज लास्ट ईयर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स प्रिंट लाइसेंस बाय अ रशियन कोर्ट। किस अखबार के मुख्य संपादक को पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जिसका प्रिंट लाइसेंस रूसी अदालत ने अब रद्द कर दिया है। तो अखबार का नाम पूछ रहे हैं कौन सा है, सही आंसर ऑप्शन बी है, नोवाया गजेटा। देखिए, आपको जानना चाहिए रशियन कोर्ट ने नोवाया गजेटा, जो कि यहाँ की एक न्यूज़पेपर है, इसका जो प्रिंट मीडिया लाइसेंस है उसको बैन कर दिया है। तो इस तरह की इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमें जाननी चाहिए। और आपको बता दें, ये जो न्यूज़पेपर है इसके एडिटर इन चीफ हैं दिमित्री मोरातोव, जिन्हें कि 2021 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो देखिए, रशिया में ही रहते हैं और लास्ट अक्टूबर में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, है ना। और रशिया में जो है जर्नलिस्ट को, जो जर्नलिस्ट की फ्रीडम से, उस एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपने 18 कैरेट का जो गोल्ड मेडल इनको मिला था, वो यूक्रेनियन जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए मनी रेस करने के लिए उसको ऑक्शन कर दिया था। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर वारी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स। भारत के सबसे बड़े सोलर पैनल निर्माता वारी ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, वारी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत ये सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग प्राप्त करेगा। अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग का मतलब होता है आपको कुछ भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। ऐसा तभी होता है जब आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा हो। तो जो सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम है, इसके तहत ये लोन लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से।
ताकि जो वर्किंग कैपिटल है वो अपने चैनल पार्टनर्स को प्रोवाइड करा सके। तो लगभग 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन ये लेना चाहता है सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम के तहत। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर्स मुंबई है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। विच बैंक हैज टाइड अप विद पे नियर बाय टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने पे नियर बाय के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। अच्छा, कभी अगर आपको ऐसा लगता हो, वैसे तो मैं पूरी डिटेल आपको देता हूं, कभी आपको ऐसा लगता हो कि इस क्वेश्चन में ये वाली डिटेल नहीं दी गई, तो उसको आप खुद से भी सर्च करके नोट डाउन कीजिए किया करें, ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करें कि ये वाली डिटेल यहाँ पर छोड़ दी, जैसे बुक्स भी तो हम पढ़ते हैं ना, उसमें भी अपने नोट्स बना देते हैं किसी लाइन के पास कि हाँ ये इस बुक में नहीं दिया है। तो इस तरह से आपको यदि ऐसा लगता है, क्योंकि कोई जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरा उसको सोचे ये तो वेस्ट है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं उसी चीज़ को बैलेंस करके चलता हूँ। यदि आपको लगे कि ये जानकारी मिस है तो आप उसको जो है अपने आप ढूंढ कर उसको लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, एक्सिस बैंक अपने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को पूरा करने के लिए पे नियर बाय के साथ इसने पार्टनरशिप की है टू बूस्ट इट्स क्रेडिट ग्रोथ इन द सेगमेंट। आप सभी जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंडिंग देना जरूरी होता है बैंक्स के लिए, जितने भी टोटल ओवरऑल जो लैंडिंग दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उसका 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना चाहिए, जिसमें कि लोन्स जो एग्रीकल्चर लोन से लेकर एमएसएमई सेक्टर्स इसमें मौजूद होते हैं। आप सभी जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में। यदि बाई चांस कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, तो बैंक्स क्या है, अदर लैंडर्स से पैसा लेता है अपना टारगेट पूरा करने के लिए। एमडी एंड सीईओ की बात करें पे नियर बाय के, तो आनंद कुमार बजाज हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, सीईओ अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हैज टाइड एट 96 इन विच ईयर वॉज शी असेंडेड द थ्रोन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस वर्ष ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठी? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 1952। तो देखिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इनका निधन हो गया है, 96 वर्ष की ये रही और पीसफुली इन्होंने अपने जो है अपना शरीर त्याग दिया बैलमोरल स्कॉटलैंड में, 8 सितंबर की ये बात है। इस तरह के इवेंट्स की डेट भी याद रखे करें। तो देखिए, जो भी ये यूनाइटेड किंगडम की तो क्वीन रही, साथ ही और भी जो कॉमनवेल्थ रियल्म है उनकी भी ये हेड रही हैं 6 फरवरी 1952 से अपनी डेथ तक, यानी कि 2022 तक। इनका जो कोरोनेशन है ये 2 जून 1953 को हुआ था, तब ये 27 साल की थी, ठीक है। 1952 में गद्दी पर बैठी और कोरोनेशन कब हुआ, 1953 में। तो ये दो ईयर आप याद रखेंगे। अच्छा, ये 32 सॉवरेन स्टेट्स की जो क्वीन रही है अपने लाइफ टाइम में, और मोनार्क भी रही हैं 15 स्टेट्स की अपने डेथ के टाइम तक। साथ ही आपको बता दें, इनका जो पूरा ये जो रेन रहा, इनका जो कार्यकाल इनका पूरा रहा, ये 70 साल 214 दिन का रहा है, जो कि किसी भी ब्रिटिश मोनार्क द्वारा किया गया कार्यकाल में लॉन्गेस्ट है, और किसी भी फीमेल हेड ऑफ स्टेट का जो भी जो कार्यकाल है उसमें भी ये लॉन्गेस्ट है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जानना चाहिए एलिजाबेथ ये यूके की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क बनी थी 2015 में, जब इन्होंने क्वीन विक्टोरिया का रिकॉर्ड सरपास कर दिया था। क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक इन्होंने रूल किया। प्रिंस फिलिप इनके हस्बैंड हैं, इनकी हाल ही में अप्रैल 2021 में 99 की एज में निधन हो गया था। तो प्रिंस फिलिप तो अप्रैल 2021 में निधन हो गया, और अब क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए अपने पूरे कार्यकाल में, यानी कि अपना जो इन्होंने रेन किया, जो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम और अदर कॉमनवेल्थ नेशंस को, उसके तहत इन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं यूनाइटेड किंगडम के। एक तो मिनिस्टर चर्चिल सबसे पहले रहे, उसके बाद अब जो ट्रस हैं ये। अच्छा, इनके एल्डेस्ट सन है चार्ल्स, तो वो अब इनको सक्सीड करेंगे एज अ किंग चार्ल्स III। अच्छा, इन क्वीन की डेथ के बाद जो प्रिंस विलियम है और जो इनकी वाइफ है कैथरीन, ये ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज एंड कॉर्नवॉल बनेंगे। आपको जानना चाहिए इनका नाम क्या है, एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था लंदन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेफेयर में, और ये अपने आप को लिलीबेट के नाम से बुलाती थी। तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि पीडीएफ सब्सक्राइबर है तो पीडीएफ तो आपको मिली जाएगी। साथ ही ये भी जानिएगा ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में। तो जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, इनका फ्यूचर, इनका जो फ्यूनरल प्लान है वो पहले ही डिसाइड कर दिया गया था कि जब इनकी डेथ होगी किस तरह से हमें इनकी डेथ को अनाउंस करना है, और जो जो मॉर्निंग पीरियड रहेगा, जो शोक मनाने वाला जो पीरियड रहेगा वो कैसा रहेगा, और फ्यूनरल में क्या क्या होगा, इस सभी को ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। लेकिन ये लीक हो गया था लास्ट ईयर मीडिया में, ठीक है। और फिर ये भी हुआ कि यदि इनकी डिमाइस, इनकी मृत्यु स्कॉटलैंड में होती है तो इसका नाम दिया जाएगा ऑपरेशन यूनिकॉर्न, जो कि हुआ अभी, स्कॉटलैंड में इनकी मृत्यु हुई है ना, तो इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, याद रखिएगा। एक और ऑपरेशन है यहाँ पर, ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। तो इसका संबंध किससे है, जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं ये अब थ्रोन पर आ जाएंगे, है ना, थ्रोन संभालेंगे और एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, और यूनाइटेड किंगडम्स के अंतर्गत जो कंट्रीज आती हैं उनको, उनकी ट्रिप करेंगे, तो उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। तो इस तरह से जो अब न्यू रॉयल लाइन ऑफ सक्सेशन रहेगी, ये रहेगी। देखिए क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, उसके बाद फिर किंग चार्ल्स थर्ड, और उनके बाद फिर आ जाएंगे प्रिंस विलियम, ठीक है। इस तरह से ये पूरी रहेगी लाइन। हु वॉन डच ग्रां प्री 2022, डच ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपेन। तो देखिए मैक्स वर्स्टैपेन ने डच ग्रां प्री 2022 जीता है। आप सभी जानते हैं बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, जो कि फॉर्मूला वन में रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं अंडर द डच फ्लैग। इस साल इन्होंने कौन कौन सी जीपी जीती है? हंगेरियन, फ्रेंच, कैनेडियन, अजरबैजान, स्पेनिश, मियामी, एमिलिया रोमैग्ना, बेल्जियन एंड सऊदी अरेबियन जीपी इन्होंने जीती है। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड बैंक ऑन व्हील्स इन गुजरात अंकलेश्वर एज पार्ट ऑफ इट्स रूरल बैंकिंग सेगमेंट? किस बैंक ने अपने ग्रामीण बैंकिंग खंड के हिस्से के रूप में गुजरात के अंकलेश्वर में बैंक ऑन व्हील्स की शुरुआत की? सही आंसर ऑप्शन डी है, एचडीएफसी बैंक। तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स सर्विस को इनोग्रेट किया है गुजरात में। तो इसका मकसद यही रहेगा कि एक वैन होगी जिसमें कि अलग अलग तरह की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो वैन जो मान लीजिए कोई नियरेस्ट ब्रांच है तो उससे 10 से 25 किलोमीटर तक की दूरी में जितने विलेजेस हैं उनको कवर करेंगी। तो इसके तहत आप 21 बैंकिंग प्रोडक्ट्स को जो कस्टमर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं इस वैन के थ्रू। तो अलग अलग विलेजेस में घूमेगी, एक दिन में 3 विलेज कवर करने का इसका टारगेट रहेगा, और हर एक विलेज को ये एक वीक में 2 बार विजिट करेगी। एचडीएफसी बैंक के बारे में आप जानते हैं, सीईओ शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। Who has been appointed as the Global Chief Executive Officer of Advertising Agency Ogilvy? तो विज्ञापन एजेंसी Ogilvy के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, देविका बुलचंदानी। तो देखिए Ogilvy ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। इसकी ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है अमृतसर बॉर्न देविका बुलचंदानी। आपको बता दें जो कंपनी है ये 93 से अधिक कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस उपस्थिति है। देविका ये अब तक जो नॉर्थ अमेरिका में इस कंपनी की जो यूनिट है वहाँ के सीईओ और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही थी, अब ये एंडी मेन को यहाँ पर रिप्लेस करने वाली है। तो ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बन गई हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, उस लिस्ट में शामिल हो गई हैं जहाँ पर भारतीय किसी विदेशी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, तो उस लिस्ट में ये भी शामिल हो गई है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन से आंसर देखेंगे। इन विच सिटी इज द श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल लोकेटेड? आंसर इज थिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मेन डीटी हैं ये है लॉर्ड अनंत या फिर विष्णु। केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? आंसर इज भरतपुर। द बाटा शू कंपनी हैज इट्स ओरिजिन इन विच प्रेजेंट डे कंट्री? आंसर इज चेक रिपब्लिक, हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लोजन स्विट्जरलैंड में है। लग्जरी सुपरकार मेकर मैकलरन ऑटोमोटिव्स फ्रॉम विच कंट्री? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, ये अक्टूबर में मुंबई में अपना फर्स्ट इंडिया रिटेल आउटलेट ओपन करेगा। विच एजेंसी है सस्पेंडेड डेलाइट टोश तोमात्सु इंडिया लिमिटेड पार्टनर सावन गोदियावाला? सही आंसर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, और आप में से कई ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें, और फिर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने इतना पेशेंस बनाए रखा क्योंकि कई दिन जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हुई, लेकिन सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। इस बारे में आप पूरा मतलब
अपने आप में ऐसा ना फील करें कि कुछ छूट जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज विकिपीडिया फाउंडेड? द विजिंसम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गैब्रियल पॉरिक इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द गंगा वाटर्स एग्रीमेंट ऑफ 1996 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? केस्टोनिया जॉर्जिया इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? द सतलुज जमुना लिंक कैनाल इशू इज द फोकल पॉइंट ऑफ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन विच टू स्टेट्स इन इंडिया? तो इन छह क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ या फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।